सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक डिज़ाइन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? तो कल रात को मैंने जो एक्सरसाइज करने आपको दी थी, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ये चलो ये देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्रियो पे आ जाते हैं सीधा। क्रियो पे न्यू, आपको ये चीज़ याद रह गई होगी, यहाँ पर अनचेक करना है, पार्ट का नेम दे देना है, मतलब फाइल नेम दे देना है। ठीक है, इसमें सीधा नीचे जाके MMKS ये चीज़ ओपन हो गई। ड्राइंग पे आ जाते हैं सीधा। यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से करना है, मेन थिंग स्टार्टिंग कहाँ से आप लोग करोगे। ठीक है, यहाँ से ये सेंटर से स्टार्टिंग करेंगे। तो सेंटर देख लेते हैं ये कितनी उसकी लेंथ आ रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए टॉप व्यू में, सेंटर यहाँ तक, सेंटर पॉइंट है सर्कल का, वहाँ तक 60 है। ठीक है, 12 की थिकनेस है। और सेकेंड थिंग, हाँ ये रहा 40 उसके भी, तो 40 बाई 60 और ये सर्कल आ जाएगा। ठीक है, आ गए यहाँ पर। टॉप व्यू सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया, प्लेन स्ट्रेट किया, सेंटर रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, 60 40, दिस वन इज 60, दिस वन इज 40। हो गया, ये वाला डिलीट कर देंगे लाइन। तो देख लीजिए ये 60 40, यहाँ पे सेंटर से ये प्लस टू दिस थिंग, 3 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 एंड 3। हो गया, सॉरी फॉर दैट, डिवाइड सर्कल और डिलीट दिस वन, डन। ठीक है, थिकनेस उसकी 12 की है। ओके क्लिक किया, एक्सट्रूड हो गया। एक ही साइड करेंगे, अपर साइड। ठीक है, 12, ओके डन, पार्ट बन गया सिंपल। सीधा हम लोग यहाँ पे नीचे के पोर्शन में आ जाते हैं जहाँ पे सिंगल है। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे दो है जो इस तरीके से दिखेगा, पर नीचे सिंगल एक ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं किस तरह से। ओके, नीचे वाला बहुत ही ईजी लग रहा है मेरे को, 44 है, 12 है उसकी थिकनेस, नहीं दी है नहीं, थिकनेस आ गई 12 आ गया, 44 आ गया और वो 40 आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे चले जाते हैं, ये वाला पोर्शन एक्सट्रूड किया, प्लेन स्ट्रेट किया, प्रोजेक्ट ले लेंगे ये चीज़, डन। यहाँ से ये वाला 12 और 44 एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर रैंडमली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, 7 7 7 12 डन। इसको क्लोज करते हैं दोनों साइड से और ये है 44 डन। हो गया, तो ऊपर का ड्रॉ करते हैं। ऊपर का अभी कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट तक 60 है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक 60 है और ये दो चीज़ है। अपने हाइट नहीं लेते हैं, हाइट अभी जाने देते, ये चीज़ ले लेते, 40 है टोटल। ओके, और ये 12 का है, 40 और 12 अपर साइड। ठीक है, देख लीजिए इसके ऊपर यहाँ पे आएगा, सॉरी सेंटर नहीं लेना है अपने को, कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेंगे ये पॉइंट से लेकर। ठीक है, 44 था आई थिंक, सो क्लियर कर लेते हैं, 40 है। ओके, 40 और 12 है, तो 40 है 12 ये, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, ओके प्रेस कर दूँगा, बात ख़त्म। और यहाँ पे उसकी हाइट, अभी हाइट किस तरह से लेंगे हम वो देख लेते। तो ये चीज़ 44 आ गई मतलब, तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे डिस्टेंस लेना है। तो जस्ट अ मिनट, ओके डन, ये चीज़ 40 है। ठीक है, 44 है सॉरी, और ये चीज़ 40 है, मतलब ये जो सर्कल ड्रॉ हो रहा है उसकी रेडियस आएगी 20। तो यहाँ तक से, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हो गया 20, ये 44 हो गया और ये 12 है, तो 44 प्लस 12 करेंगे। ओके, और उसमें से माइनस 20 करेंगे, तो 44 प्लस 12 46 एंड 10 56,
56 में से 20 माइनस करेंगे तो 36 आएगा। ठीक, यहाँ से ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट का डिस्टेंस हमको मिला 36। अभी 36 को 60 में से माइनस करेंगे तो 36 और माइनस 60 माइनस 36, ठीक है, तो 36 24 आएगा। तो इजी है, यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस अपना होना चाहिए 24, ठीक है। अभी ये जो भी ये सर्कल बन रहा है सभी जगह उसकी रेडियस 20 है, डायमीटर 40 है, तो प्लस 20 ऐड कर देंगे हम लोग तो ये हो गया 44, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, तो सीधा यहाँ पे 44, ओके ओके, ठीक है। अभी मैं राउंड दे दूँगा, तो कंट्रोल दबा के एजेस सिलेक्ट करनी है सब, ये दो करी मैंने, नीचे की भी कर दूँगा, ठीक है, 20 लेंगे, 20 रेडियस थी इसलिए, ठीक है, डन हो गया। अभी इस ये चीज़ को मैं मिरर कर दूँगा ये लाइन से, यहाँ पे हमको राउंड देना पड़ेगा क्योंकि राउंड उस टाइम पे हमने साथ में दे दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये मेरा आप देखिए मेरा एक स्टेप बढ़ गया, ठीक है, ये मेरा एक स्टेप पूरा बढ़ गया, मतलब कैसे बढ़ गया मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ से मैं पूरा निकाल देता हूँ, यहाँ से देख लीजिए आप कि कैसे मेरा एक स्टेप पूरा बढ़ गया, ठीक है। ये चीज़ करी थी हमने, अगर मैं यहाँ पे राउंड देकर, ठीक है, मैं राउंड देकर इतना करके सीधे ये एक्सट्रूडर राउंड को मिरर कर देता तो एक स्टेप कम करना पड़ता ये राउंड वाला, ठीक है, और यहाँ पे हम राउंड दे देते, ख़त्म, बात हो गया, दिख रहा है आपको। अभी क्या बचा, कुछ नहीं, सिंपल होल जो भी है, 1 2 3 4 होल बनाने हमको 16 डायमीटर के, ये रहा 4 होल 16 डायमीटर के बनाने, सेंटर किस तरह से लेना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ का 60 पे है, तो टॉप व्यू था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 60 का है, तो होल पे आ जाते हैं, ये सिलेक्ट किया, एक तो आ जाएगा ये सेंटर वाला सरफेस और दूसरा आ जाएगा ये पीछे का, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ से 60 का है और ये वाला 0 का, और डायमीटर उसका है 16, तो यहाँ पे 16 डायमीटर सेट है, थ्रू ऑल कर देंगे, ओके क्लिक कर देंगे, ये चीज़ बन गई, ये होल बन गया। दूसरी चीज़, अभी ये वाला होल और ये वाला होल, दो होल बनाने, ये वाला और ये वाला, तो देखते अभी ये कैसे बना सकते हैं। तो देख लेते ये सर्कल दोनों का डिस्टेंस बीच में 60 आ रहा है, हमने वो कैलकुलेशन किया था बराबर है, 44 में से 20 माइनस किया था तो ये 22 बचेगा, तो यहाँ से ये सरफेस से यहाँ का 22 आ जाएगा। देखते उसी तरीके से करते हैं, सिंपली होल में गए, ये वाला सरफेस सिलेक्ट किया, एक को उठाकर ये सरफेस पे डाल दिया, ठीक है, और एक चीज़ को उठाकर ये सेंटर प्लेन में डाल दिया जो कि 0 हो जाएगा तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये जो बचा है ये अपने 44 माइनस 20 तो 22, ठीक है, ये आ गया होल, डन। अभी ऊपर का होल जो भी है करना है तो होल पे आ जाते हैं, क्लिक किया, एक आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा 20 का ओवरऑल 40 है तो 20 आएगा, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं ये वाली एक्सिस, ये उसके सेंटर की एक्सिस, ठीक है, देख रहे हो आप, आ रहा है सेंटर की, वहाँ से उसका माप था 60 का, तो 60 लेते हैं, थ्रू ऑल करेंगे यहाँ से, मतलब दोनों तरफ निकल आए, ठीक है, देख लीजिए हो गया, और ये चीज़ ओके डन। मैं सब क्लोज कर देता हूँ आपको मतलब मालूम पड़े, ठीक है, दिख रहा है आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, बहुत इजी है। दूसरी वीडियो आएगी आज रात को 9 बजे, ठीक है, ये देख लीजिए आप, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, कल रात को मैंने जो आपको करवाई प्रैक्टिस उसकी, ये इजी था, मैंने कल रात को जो करवाया उससे ये इजी था, पर फिर भी आप देखिए, ट्राई करते रहे तो आ जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा। अभी जो रात को आज रात को जो भी वीडियो आएगी थोड़ी और डिफ़िकल्ट लेवल में ज़्यादा करके लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, अपने इंजीनियर्स फ्रेंड्स को ज़रूर से ये चीज़ शेयर करें, ये चैनल शेयर करें, उनको बोलो सब्सक्राइब करें और कुछ क्रियो सीखें, ठीक है। तो
थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ. तो हैव अ नाइस डे, अच्छा दिन जाए आपका. ओके.